एम्ब्रियोजेनेसिस, एनसी अर्चिंग, हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है इसकी एम्ब्रियोजेनेसिस की वही करेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस की, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन जो है वो फास्ट ब्लॉक सोबर्ग पॉलिस्पर्मी और जो इंटरेक्शन होता है मेम्ब्रेन का, और या ये कह सकते हैं जब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है तो वहां से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस से क्वेश्चंस ज्यादा नहीं बनते यहाँ पे। लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, कोई एक जायगोट है यहाँ पे, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब ये कह सकते हैं हम जब अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट होती है यहाँ पे, तो क्लीवेज कैसा होता है, हम पहले भी ये पैटर्न पढ़ चुके हैं, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज होता है और रेडियल पैटर्न शो करती है। रेडियल पैटर्न का मतलब क्या होता है, ये चीज हम योक एंड क्लीवेज में कर चुके हैं। रेडियल पैटर्न का मतलब होता है कि हमारा जो जायगोट में फर्स्ट क्लीवेज होती है वो मेरिडोनियल होती है, सेकंड क्लीवेज जो होती है वो भी मेरिडोनियल होती है। ये फर्स्ट क्लीवेज था जिससे दो ब्लास्टोमियर बनी, ब्लास्टोमियर वन, ब्लास्टोमियर टू। जब सेकंड क्लीवेज हुआ तो उससे डिफरेंट सेल्स हमारी यहां, एक ये ब्लास्टोमियर, एक ये, एक ये, एक ये, एक से दो सेल्स बनना, दो से फोर सेल्स बनना यहां पे। तो सेकेंड क्लीवेज से फोर सेल्स इक्वल सेल्स बनती हैं। अब थर्ड क्लीवेज जो होता है वो यहां पे मेरिडोनियल क्लीवेज ना होके इक्विटोरियल क्लीवेज होता है, जिससे हमें कैसी सेल्स और कैसी शेप मिलती है कि फोर सेल्स शिट ओवर दी अदर फोर सेल्स, जिसको हमने क्या बोलते हैं, रेडियल पैटर्न बोलते हैं। लेकिन जब यहां फोर्थ क्लीवेज होता है, जब फोर्थ क्लीवेज होता है तो जो ये एनिमल हाफ स्फीयर, एनिमल हेमिस्फीयर रीजन है और ये वेजिटल रीजन है, तो जो एनिमल हेमिस्फीयर रीजन है वो मेरिडोनियली इक्वल डिवाइड करता है, और जो हमारा वेजिटल हाफ रीजन है ये अनइक्वल इक्विटोरियल डिवीजन शो करता है, जिसके कारण अपर जो सेल्स होंगी वो हमारी इक्वल सेल्स होंगी और जो लोअर सेल्स होंगी वो हमारी क्या बनती हैं, माइक्रोमियर और मैक्रोमियर बनती हैं, लार्ज और स्मॉल सेल बनती हैं। किस तरह से, जैसे हम यहां दिखा सकते हैं इस चीज को, ये मान लो कि हमारी सेल्स हैं मीजोमियर, ठीक है भाई, और जो एक जो लो वाली सेल्स है वेजिटल रीजन वाली वो हमारी कुछ इक्विटोरियल जो लार्ज सेल होती हैं, और कुछ सेल्स जो होंगी वो माइक्रोमियर होती हैं। तो मैक्रोमियर और ये जैसे कि मान लो हमारी माइक्रोमियर, इस तरह से ये सेल बनती हैं कि तीन डिफरेंट टाइप की हमें सेल शेप की सेल मिलती हैं, कि कुछ लार्ज इन साइज, कुछ स्मॉल इन साइज और कुछ मीडियम इन साइज, मिजोमियर, मैक्रोमियर और माइक्रोमियर। मैक्रोमियर और माइक्रोमियर ये दोनों मिलती है हमें वेजिटल रीजन से, और जो मिजोमियर है वो मिलती है एनिमल हेमिस्फीयर रीजन से। ये क्योंकि यहाँ क्लीवेज इक्वल था तो डिवीजन इक्वल हुआ सेल का, यहाँ अनइक्वल डिवीजन हुआ है इक्वेटोरियली, तो जिससे जो दो टाइप की सेल मिली, मैक्रो और माइक्रो। तो जो मिजोमियर है ये एक्टोडर्म को डेवलप करवाती है, मैक्रो जो है वो तीन की तीन जर्म लेयर को डेवलप करवाती है, एक्टो एंडो मीजो, और माइक्रोमियर जो है वो मीजो डर्म को डेवलप करवाती है, ठीक है भाई। अब बात आती है यहाँ पे हमारी, जैसे सी एलिगेंस के केस में हमने देखा था कि हमारी जो स्टेम सेल्स थी और हमारी फाउंडर सेल्स थी वो दोनों क्या थी, ऑटोनोमस और कंडीशनल बिहेवियर शो करती थी। तो स्टेम सेल वहां जो थी वो ऑटोनोमस बिहेवियर शो करती थी और फाउंडर सेल्स क्या करती थी, कंडीशनल बिहेवियर शो करती थी। उसी तरह से यहां हमारी जो माइक्रोमियर और मीजोमियर सेल्स हैं, यहां ये सेल्स हमारी क्या करती हैं, हमारी ये सेल्स ऑटोनोमस और कंडीशनल बिहेवियर को शो करती हैं। तो माइक्रोमियर सेल्स जो है ये हमारी ऑटोनोमस बिहेवियर शो करती हैं, माइक्रोमियर ऑटोनोमस बिहेवियर। ऑटोनोमस बिहेवियर यहाँ किस टाइप से होता है, हम ये कह सकते हैं भाई कि यहाँ जब ये सेल्स अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो क्या होगा कि यहाँ बीटा कैटेनिन और डिसहेवल्ड वो पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। डिसहेवल्ड हमने क्या पढ़ा था,
डिसहेवल्ड एक इनहिबिटर होता है किसका, ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3 का। तो जहां डिसहेवल्ड होगा वहां बीटा कैटेनिन हमारा स्टेबलाइज होगा। तो इन माइक्रोमियर सेल्स में हमारा डिसहेवल्ड बीटा कैटेनिन को स्टेबलाइज करता है। जहां बीटा कैटेनिन स्टेबलाइज हुआ तो वो कुछ अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को हमारा एक्टिवेट करवाता है। कैसे, एक चीज देखो, हमारी एक ओटीएक्स प्रोटीन होता है, जहां ओटीएक्स और बीटा कैटेनिन, ये बात है हमारी माइक्रोमियर सेल की, माइक्रोमियर सेल, और ये है हमारी मैक्रोमियर की। अब मैक्रोमियर और माइक्रोमियर ये हमें कहां से मिली, वेजिटल हाफ रीजन से। दोनों का ओरिजिन सेम है लेकिन दोनों का फेट अलग होता है। ये हमें क्या देती है, मीसोडर्म देती है, और वो तीनों लेयर को डेवलप करवा सकती है। तो ओटीएक्स और बीटा कैटेनिन, यहां बीटा कैटेनिन स्टेबलाइज होता है क्योंकि यहां डिसहेवल्ड प्रोटीन है, वहां वो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो ये बीटा कैटेनिन क्या करता है, यहां एक प्रोटीन है PMAR1, इसे एक्टिवेट करता है। PMAR1 यहां इनहिबिटर होता है HGSC1 का, ठीक है भाई। ये HGSC1 जो है ये फर्दर इनहिबिटर होता है ALX, THR और ETS और डेल्टा, ये इनका क्या है, इनहिबिटर है। लेकिन ये इनहिबिटर किसका है, HGSC1 का। तो जिस रीजन में ओटीएक्स और बीटा कैटेनिन स्टेबलाइज होते हैं, ये एक्टिवेट किसको करवा रहे हैं, PMR1 को। तो PMR1 एक्टिवेट हुआ तो इसने इसको इनहिबिट किया, और इसने इनको इनहिबिट किया था तो हम PMR1 के स्टेबलिश होने से ये कह सकते हैं हमारे ये चारों जीन क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जैसे हमने डिसहेवल्ड और बीटा कैटेनिन का केस देखा था एमबीवीएन के अंदर, कि डिसहेवल्ड क्या करवाता है, बीटा कैटेनिन को स्टेबलाइज करवाता है। कैसे, GSK3 प्रोटीन को इनहिबिट करके। उसी तरह से मान लो कि ये GSK3 है, ये हमारा डिसहेवल्ड है, तो ये डिसहेवल्ड इस प्रोटीन को इनहिबिट करके इन प्रोटीन को क्या करवा रहा है, एक्टिव करवा रहा है। और ये सारे जीन होते हैं हमारे स्केलेटन फॉर्मिंग जीन, स्केलेटन बनाते हैं जो, स्केलेटल फॉर्मिंग जीन, ठीक है भाई। अब मैक्रोमियर में क्या कंडीशन होती है, वहां ओटीएक्स और बीटा कैटेनिन एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट है। अगर ये एब्सेंट है तो PMR1 जो है वो इनहिबिट रहेगा, और PMR1 इनहिबिट है तो HGSC1 जो है ये हमारा जो इनहिबिशन प्रोसेस था वो इनहिबिट नहीं हो पाएगा। अगर ये इनहिबिट नहीं होगा तो जो यहाँ पे इनहिबिशन फैक्टर था वो इनहिबिशन फैक्टर बना रहेगा, ALX, ETS, डेल्टा और हमारा क्या था, THR, ये तीनों प्रोटीन जो है वो इनहिबिशन बना रहेगा। तो नो स्केलेटल फॉर्मिंग जीन, कोई स्केलेटन फॉर्मिंग फॉर्मेशन नहीं होगी। तो कैसे एक मैक्रोमियर और माइक्रोमियर दोनों हमें अलग अलग फेट प्रोवाइड करते हैं, इसी क्यों हुआ ये बिहेवियर इसका, इस माइक्रोमियर के ऑटोनोमस बिहेवियर की वजह से। जो ऑटोनोमस बिहेवियर शो करती है वो माइक्रोमियर करती है, और मैक्रोमियर यहाँ पे है वो हमारी कंडीशनल बिहेवियर शो करती है। तो एक सी अर्चिन के अंदर हमने क्या पढ़ा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसकी हमने वो पढ़ी हैं कि सी अर्चिन में सबसे पहले हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा, जो किसकी हेल्प से होता है, जैसे ही स्पर्म बाहर आता है उसका पीएच जो चेंज हो जाता है, जिससे उसमें मोबिलिटी आती है लेकिन वो डायरेक्शनलेस होता है। तो एग जेली रिसेक्ट रिलीज करती है, उसको लेके वो क्या करता है, रिसेक्ट के को बाउंड करवा के एग जेली की तरफ मूव करता है। एग जेली से उसका कॉन्टेक्ट हुआ तो तीन हमारे फंक्शन एक्टिव होते हैं, कैल्शियम आयन, NHE और हमारा PLC, जिससे कैल्शियम कंसंट्रेशन और एक अल्केलाइन कंडीशन आती है। कैल्शियम आयन ने किसको प्रमोट किया, एक्रोसोमल रिएक्शन को। एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद क्या हुआ, एक एक्रोसोम एंजाइम का एक्सोसाइटोसिस हुआ और हमारी एक्रोसोमल प्रोसेस बनी, जिससे बिंडिन प्रोटीन अटैच हुए, बिंडिन का और वाइटलिन एनोरम का इंटरेक्शन हुआ और फ्यूजन हुआ।
फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक पॉलिस्पर्मी पड़ी, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमने देखा कि माइक्रोमियर और मैक्रोमियर कैसे यहाँ कंडीशनल और ऑटोनोमस बिहेवियर शो करते हैं। तो ये सब था भाई हमारा सी अर्चिन के बारे में।